अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने एक साथ बस इतना सा ख्वाब है, युवा, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना, लागा चुनरी में दाग जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। लेकिन 2007 में आई फिल्म लागा चुनरी में दाग इस कपल की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले तक ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जल्द ही अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी शादी करने वाले हैं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। दरअसल इस फिल्म में जया बच्चन रानी मुखर्जी की मां का किरदार निभा रही थी। कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन अचानक किसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। रानी मुखर्जी की इस हरकत से जया को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रानी से बात करना ही बंद कर दिया। इसके बाद रानी ने भी जया से बोलना सही नहीं समझा और पूरी शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बिना बोले ही फिल्म पूरी की। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जब रानी मुखर्जी के घर वालों ने जया से अभिषेक और रानी की शादी के लिए कहा तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। जया बच्चन रानी को लेकर काफ़ी समय से गुस्से में थी। जया ने अभिषेक बच्चन को भी समझा दिया कि वो रानी को भूल जाए, अपनी माँ की बात भला अभिषेक कैसे टाल सकते थे। अभिषेक ने भी रानी से मिलना बंद कर दिया और इस तरह अभिषेक और रानी की लव स्टोरी का दी एंड हो गया।